नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी पसंदीदा चैनल प्रदीप लीगल हेल्प में। मैं आपका मित्र प्रदीप गौड़ एडवोकेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में महिलाओं के कुछ अहम अधिकारों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। जैसे जैसे समय बदल रहा है, कानूनी मामलों में भी महिलाओं को अपनी स्थिति के बारे में जागरूक होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आर्थिक और राजनीतिक शक्तिपुंज के रूप में उभर रहे हमारे संविधान ने हमें जो अधिकार और अवसर दिए हैं, उन्हें प्रमुखता मिल रही है। आज महिलाएं भी मेहनत कर रही हैं और अपने करियर को लेकर गंभीर हैं। हालांकि मानसिक, शारीरिक और यौन उत्पीड़न, स्त्री द्वेष और लिंग असमानता इनमें से ज्यादातर के लिए जीवन का हिस्सा बन गई हैं। ऐसे में महिलाओं को भी भारतीय कानून द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। नंबर एक, समान वेतन का अधिकार। समान परिश्रम अधिनियम के अनुसार अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। नंबर दो, काम पर हुए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार। काम पर हुए उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार आपको यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का पूरा अधिकार है। नंबर तीन, नाम न छपाने का अधिकार। यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को नाम न छापने देने का अधिकार। अपनी गोपनीयता की रक्षा के लिए यौन उत्पीड़न की शिकार हुई महिला अकेले अपना बयान किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में या फिर जिला अधिकारी के सामने दर्ज करा सकती है। नंबर चार, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार। ये अधिनियम मुख्य रूप से पति, पुरुष, लिव इन पार्टनर या रिश्तेदारों द्वारा एक पत्नी, एक महिला लिव इन पार्टनर या फिर घर में रह रही किसी भी महिला जैसे माँ, बहन पर की गई घरेलू हिंसा से सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है। आप या आपकी ओर से कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है। नंबर पांच है, मातृत्व संबंधी लाभ के लिए अधिकार। मातृत्व लाभ कामकाजी महिलाओं के लिए सिर्फ सुविधा ही नहीं बल्कि ये उनका अधिकार है। मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत एक नई मां के प्रसव के बाद 12 सप्ताह यानी 3 महीने तक महिला के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाती और फिर से काम शुरू कर सकती है। नंबर छह है, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार। भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो एक महिला को उसके मूल अधिकार जीने के अधिकार का अनुभव करने दे। गर्भधान और प्रसव से पूर्व पहचान करने की तकनीकी, लिंग चयन पर रोक अधिनियम कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है। नंबर सात, मुफ्त कानूनी मदद के लिए अधिकार। बलात्कार की शिकार हुई किसी भी महिला को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है। स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO के लिए यह जरूरी है कि वो विधिक सेवा प्राधिकरण को वकील की व्यवस्था करने के लिए सूचित करे। नंबर आठ, रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार। एक महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी खास मामले में एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही यह संभव है। नंबर नौ, गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार। किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो उस पर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में की जानी चाहिए। नंबर 10, संपत्ति पर अधिकार। हिंदू
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नए नियमों के आधार पर पुस्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरुष दोनों का बराबर हक है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फ्रेंड्स।